Okay, today just continue to the previous lecture. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अल्किल हैलाइड स्टार्ट किए थे और उसमें देखे थे एक मेथड कि अल्कोहल से कैसे हम अल्किल हैलाइड बनाते हैं और उसमें हम लोगों ने यूज किया था अल्कोहल और HX यूज किया था. HX means HCl, HBr, HI. तो उसमें आगे हम लोग देख रहे हैं कि मेथड तो अच्छा है, नो डाउट वेरी इम्पॉर्टेंट मेथड है, लेकिन एक लिमिटेशन है. क्या? कि प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्कोहल आपको मिल भी सकता है इस मेथड में. प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्किल हैलाइड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है. ये डिपेंड करेगा कि आपके अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा है. सपोज कि इथाइल अल्कोहल से अगर आपको इस मेथड को यूज करें HBr को, तो इथाइल ब्रोमाइड मिलेगा. क्यों? क्योंकि इथाइल जो कार्बोनियम आयन बनेगा उसमें कोई भी रीअरेंजमेंट का चांस नहीं होगा. लेकिन अगर इस तरह का आपके पास अल्कोहल है तो आप पहली बात तो पहचान सकते हैं. मैंने कई बार बताया है आपको कि जिस कार्बन से OH लगा है अगर उससे दो हाइड्रोजन डायरेक्ट लगे हैं तो वो प्राइमरी अल्कोहल है. तो ये प्राइमरी अल्कोहल है और इससे अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं, अगर आपके पास नॉलेज मैकेनिज्म की नहीं है तो आप निश्चित रूप से जहां OH है वहां पे आप Br लगा देंगे और H2O मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आप निकाल देंगे. लेकिन जब आप देखेंगे प्रोडक्ट आंसर देखेंगे, दिस इज़ नॉट द आंसर. आप देखेंगे कि ये आपका ब्रोमाइड नहीं बनेगा. इसका मतलब कि इस मेथड में दिस इज़ द लिमिटेशन कि प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्किल हैलाइड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है. सेकेंडरी से सेकेंडरी मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल. मीन्स कि इसमें आपको रफ में रीअरेंजमेंट का चांस देखना होगा. कारण ये है कि ये इंटरमीडिएट इसमें बनता है कार्बोनियम आयन, जो हमने बताया है कार्बोकैटायन जिसको कहते हैं. अब ये कार्बोनियम आयन में अगर रीअरेंजमेंट का चांस मौजूद है तब आपको प्रोडक्ट जो है वो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलेगा. जैसे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि इस अल्कोहल में आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलके बल्कि कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मिल रहा है. कैसे मिल रहा है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पर HBr से जो H प्लस निकल के आ रहा है इस OH के साथ OH2 प्लस बना रहा है और उसमें से H2O निकल जा रहा है और आपको कार्बोनियम आयन मिल रहा है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन दिस. लेकिन ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन को चांस है कि ये रीअरेंज्ड हो जाए, क्योंकि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी क्या है, अलग अलग है. आपको पता है कि सबसे ज़्यादा टर्शरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है. तो यहाँ जो कार्बोनियम आयन है ये प्राइमरी है बाय डिफिनीशन, और तब यहाँ से भी रीअरेंजमेंट हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है. लेकिन रीअरेंजमेंट कहाँ से होगा, ये डिपेंड करेगा कि रीअरेंज्ड होने के बाद जो नया मॉलिक्यूल आएगा, नई स्पीसीज आएगी, जो ज़्यादा स्टेबल होगी रिएक्शन उधर की तरफ जाएगा. अगर यहाँ से मिथाइल ग्रुप यहाँ लग जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चला आएगा तो ये CH2CH3 हो जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, तब एक सेकेंडरी कार्बोनियम आयन आपको मिलेगा. पिछले के लेक्चर्स में जब देखेंगे तो मैंने एक आध बार बताया भी है. और जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा हाइड्राइड आ जाएगा, H प्लस नहीं बल्कि H अपने इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ आ जाएगा, इसको बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट. तब आपको जो कार्बोनियम आयन बनेगा आप देख सकते हैं CH3CH3 H यहाँ आ जाएगा, तो बाय डिफिनीशन ये कौन सा कार्बोनियम आ जाएगा, टर्शरी. और आपको पता है कि टर्शरी मोस्ट स्टेबल है. इट मींस कि यहाँ से ये रीअरेंजमेंट जो है, ये नहीं होगा. कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, ये रीअरेंजमेंट होगा. क्यों? क्योंकि इस रीअरेंजमेंट से उसे एक सेकेंडरी कार्बोनियम आयन मिलेगा, जबकि इस रीअरेंजमेंट से उसे एक टर्शरी कार्बोनियम आयन मिलेगा. तो आप ये रफ में करके देख लेंगे कि रीअरेंजमेंट के बाद
क्या क्या बन रहा है, जो सबसे स्टेबल बनेगा कार्बोनियम आयन, आगे रिएक्शन उसी पे होगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन तो बन रहा है, फिर वो क्या हो जा रहा है, रीअरेंज्ड हो जा रहा है, बन रहा है टर्शरी कार्बोनियम आयन। और फिर उस टर्शरी कार्बोनियम आयन पे जो HBr का Br- माइनस है वो अटैक कर रहा है और आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट दे रहा है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशंस आल्सो, कि बहुत बार आपसे वो इस तरह के रिएक्शंस पूछता है। अगर आप अल्प ज्ञानी हैं, आपको मैकेनिज्म नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, इस OH की जगह Br लगा देंगे। लेकिन अगर आपको अंदर तक आता है, आप जानते हैं मैकेनिज्म को, तो निश्चित रूप से आप सही आंसर लगाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत ही खतरनाक है। क्यों, इसलिए खतरनाक है कि उसमें जो चार आंसर दिए हैं, अगर कोई भी आंसर इससे नहीं मिलता तब तो आप बार बार उसको चेक करते, लेकिन जो आपने गलती की है वही चीज़ यहाँ पे मौजूद है अगर ऑप्शन में, तो आप तुरंत इसको देख के खुश हो जाएंगे और इस पर क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। आप सोचेंगे मेरा आंसर सही है, लेकिन देख रहे हैं कि आंसर वो सही नहीं बल्कि ये आंसर सही है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आपको थ्योरेटिकल पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है, तो आप निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी ख़तरनाक आपके लिए होंगे, इसलिए आपको बहुत किसी भी चैप्टर में A to Z की नॉलेज लेनी होगी। आपको एक एक चीज़ अंदर तक आएगी तभी आप इसको बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। नाउ प्राइमरी से प्राइमरी मेथड में आपको नहीं मिल सकता है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, जैसा मैं बता रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल। तब सवाल है कि अगर हमें प्राइमरी से प्राइमरी प्राप्त करना ही हो तब क्या करें, तब क्या हम HX का यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आंसर इज नो, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि आपको प्राइमरी से टर्शरी बना रहा है और उसको जो है वो चाहे कि कैसे होगा, मेथड दे दिया रहेगा, HX है बाकी है, तो आपको देखना होगा कि नो, ये HX के द्वारा कभी आपको इस रूट से प्राइमरी नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम जाते हैं कि आपको इसी क्वेश्चन में CH3 सेम हमने अल्कोहल लिया हुआ है और हम चाहते हैं कि इस प्राइमरी अल्कोहल से हमको ये प्रोडक्ट मिले, क्लोराइड मिले, तब हम क्या करें, HCl डालें कि न डालें। आंसर इज नो, क्योंकि HCl डालते ही वो रीअरेंज जो टू स्टेप का प्रोसेस है, तो आपको टर्शरी मिलेगा। तब अगर आपको प्राइमरी से प्राइमरी ही चाहिए तब क्या करें, तब आपको एक ऐसा रिएजेंट चाहिए जिसमें सब कुछ एक साथ हो रहा है, कोई भी दो स्टेप नहीं हो रहे हैं कि जिसमें रीअरेंजमेंट का चांस हो। और जब सारे स्टेप एक साथ होते हैं तब कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, रीअरेंजमेंट के लिए टाइम चाहिए। तब आपको रिएजेंट याद करना होगा कि अगर इस तरह का है तो एक रिएजेंट है जिसके द्वारा ये मिलेगा, इसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये पिरिडीन है कैटलिटिक अमाउंट में, इस थायोनिल क्लोराइड को डालते ही आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी से प्राइमरी मिलेगा क्लोराइड। अगर आपको ब्रोमाइड चाहिए तब क्या आप करेंगे, तब जो रिएजेंट है वो PBr3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से आपको ये मिलेगा, HBr से नहीं मिलेगा, HBr से आपको रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा। और आपको अगर आयोडाइड चाहिए प्राइमरी से प्राइमरी, तब आपको फास्फोरस प्लस आयोडीन होगा। आप सोचेंगे कि जैसे PBr3 है, यहाँ पर भी PI3 हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो आंसर इज कि PI3 इज नॉट स्टेबल, इसलिए इन सीटू ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के अंदर
OPI3 बनेगा और आपका प्रोडक्ट देगा, इसलिए फास्फोरस और आयोडीन लेते हैं, क्योंकि PI3 इज़ नॉट स्टेबल, क्योंकि जो चीज़ आप मिलाएंगे अपने रिफ्लक्स कराएंगे उसके लिए स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि अगर आपको प्राइमरी से प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी से सेकेंडरी कुछ इस तरह का चाहिए, रीअरेंज प्रोडक्ट अगर नहीं चाहिए तो याद रखिए कि ये मेथड तब आपको ये लेने होंगे। ये मेथड्स ऐसे हैं जिनमें रिएक्शन टू स्टेप का नहीं होता है, सब कुछ एक साथ होता है, कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं होता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव में आपके नॉलेज से पूछ सकता है, आपको यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट दिखा देगा, आपसे यही बना देगा कि हाँ HCl लें कि SOCl2 लें, तो आंसर इज SOCl2। SOCl2 को क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड, इज़ वेरी फेमस है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप याद रखिए और ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो ये जो आपके पास अल्किल हैलाइड है, बाकी के भी जो मेथड्स हैं उनको हम लोग किसी दूसरी वीडियो में अदर मेथड्स की बात करेंगे। आज हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि अल्कोहल के साथ अगर हमें अल्किल हैलाइड बनाना है तो अगर HX के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा, तो लेकिन तब हमको देखना होगा कि रीअरेंजमेंट हो रहा कि नहीं, इसको आप और समझ लीजिए थोड़ा। जो मैंने अभी बताया है कि सपोज आपके पास CH3 CH2OH है और आप सोच रहे हैं कि इससे हमें HBr डालने के बाद गर्म कर रहे हैं और आपको क्या मिलेगा, CH3CH2Br मिलेगा और H2O मॉलिक्यूल, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप देखिए कि पहले स्टेप में जो मैग्नीजम है वो क्या करेगा, CH3CH2OH जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया है, इसमें H+ फ्रॉम HBr कोऑर्डिनेट होगा और H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और देगा क्या आपको, CH3CH2 इथाइल कार्बोकैटायन। नाउ बाय डेफिनेशन इट इज़ प्राइमरी। प्राइमरी कैसे पहचानेंगे, हमने आपको बताया है कि जिस कार्बन से प्लस चार्ज है अगर उससे दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी है, एक हाइड्रोजन डायरेक्ट लगा है तो सेकेंडरी है और कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है तो वो क्या है, टर्शरी है। अब आप देखिए कि ये आपके पास प्राइमरी है, ये कम स्टेबल हो चाहे ज़्यादा स्टेबल हो, क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट का चांस है, अगर आप यहाँ से इसको यहाँ ला दें, यहाँ से आप यहाँ ला दें, यहाँ से आप यहाँ ला दें, क्या कोई चेंज हो रहा है, नो, देयर इज नो चांस ऑफ एनी रीअरेंजमेंट। इसलिए इसमें तो प्राइमरी से आपको प्राइमरी ही मिलेगा। जब आपके पास अल्कोहल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि उसमें रीअरेंजमेंट होने के बाद ज़्यादा स्टेबल कोई स्पीसीज मिलेगी, तब आपको देखना होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसलिए रीअरेंजमेंट की संभावना आपको देखनी होगी। रीअरेंजमेंट भी आपको मैंने जो ऐसे अभी पिछले जस्ट दो मिनट पहले बताया उसको भी मैं आपको डिटेल थोड़ा समझा दूं कि जैसे मैंने अभी मॉलिक्यूल लिया है और आपको बताया है कि दो दो रीअरेंजमेंट के चांस है, लेकिन क्यों टर्शरी हो रहा, तो इसको और डिटेल में आप देख लीजिए, आपको और अच्छा लगेगा, समझ में आएगा अगर थोड़ी देर में, और इसको और सरल तरीके से और पूरी तरह से आपको बता रहा हूँ। सपोज़ कि ये आपके पास जो अभी कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन बना है जो कि प्राइमरी है, आप बाय डेफिनेशन जान रहे हैं, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन का भूखा है, नो डाउट, इसमें रीअरेंजमेंट यहाँ से भी हो सकता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को लेके आ सकता है, यहाँ से अगर होगा तो आप देखिए क्या बनेगा, अगर ए रूट का इस्तेमाल ये करे तो होगा क्या, होगा ये CH2 इसके साथ आके CH3 लग गया है, जो परिवर्तन हो रहा केवल वो आपको देखना है। बाय डेफिनेशन ये कौन सा कार्बोनियम आयन है, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, क्योंकि जिस कार्बन से प्लस चार्ज है उससे एक हाइड्रोजन लगा है, और दूसरा क्या है कि ये इधर से भी आ सकता है,
और तब ये क्या देगा आपको, सी एच थ्री सी सी एच थ्री, एक एच आके लग जाएगा तो ये सी एच थ्री। ये कौन सा कार्बन कैटायन है? आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, वे नहीं कि सब कुछ एकाएक क्या हो गया। आप एक एक लेक्चर को पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि कैसे प्राइमरी को पहचानेंगे, कैसे सेकेंडरी पहचानेंगे, कैसे टर्सरी पहचानेंगे। आपको ये भी पता है, एक लेक्चर में हमने बताया आपको कि टर्सरी कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल है, प्राइमरी उससे कम स्टेबल, मिथाइल लिस्ट स्टेबल, उसके क्यों कारण हमने सब डिस्कस किया हुआ है। तो आपको वन वन वीडियो में आपको आना है। ये कार्बन का भूखा है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से मॉलिक्यूल बहुत इंटेलिजेंट है। आपको सपोज एक कॉमन एग्जांपल्स बताएं कि आपको 100 रुपये की आवश्यकता है, आपके दो पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी ज़्यादा पैसे वाला, एक पड़ोसी थोड़ा कम पैसे वाला, उससे आपको मतलब नहीं, आपको 100 रुपये चाहिए केवल। तब आप ये देखेंगे कि किससे पैसा लें कि हमको आराम मिलेगा। एक आदमी आपको पैसा, जो बहुत अमीर है, उसके पास काफ़ी पैसा है, वो आपको 100 रुपये देने के बाद अगले दिन से ही आपसे पैसा मांगने लग रहा है, उससे आप पैसा लेना चाहेंगे या उससे लेना चाहे कि हाँ भाई ले जाओ, जब हो जाएगा तो दे जाना, बीच में आपको कभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और जो पहला वाला आदमी है, जहाँ देख रहा हूँ वहीं आपको नमस्ते कर रहा है, नमस्ते करने का मतलब अपना पैसा मांग रहा है, आप किससे लेंगे? नेचुरल है कि आपको जहाँ आराम मिलेगा। इसके पास हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन काफ़ी देने की क्षमता हो, लेकिन ये देख रहा है कि किससे लें कि हमको आराम मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि जब यहाँ से रीअरेंजमेंट हो रहा है, बी रूट से हो रहा है, तब आपको टर्शरी कार्बोनियम आयन मिल रहा है, और जब ए रूट का इस्तेमाल कर रहा है तो सेकेंडरी। और आपको पता है कि टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कम स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन का पाथ उधर की ही तरफ जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको सपोज़ कि आप कॉलेज में टीचर हैं या चपरासी हैं, आपको दो चांस दिए जा रहे हैं कि आप टीचर बनेंगे या प्रिंसिपल बनेंगे। नेचुरल कि आप प्रिंसिपल बनेंगे, लेकिन जब आपको चांस ही नहीं है, आप चपरासी हैं, देर इज नो चांस, जैसे हमने इथाइल में बताया था, अभी कोई चांस ही नहीं, वही आप कुछ नहीं कर सकते, जो हैं वही हैं। लेकिन चांस अगर मिल रहा है तब तो देखेंगे। आपको दो दावत मिल रही है, एक ही साथ दो कार्ड हैं, आपको पता है कि एक जगह आपको बहुत सारी मिठाई बढ़िया खाना मिल रहा है, एक जगह खराब खाना है, तो नेचुरल प्रोसेस कि आप उधर की तरफ अपनी साइकिल मोड़ देंगे जिधर बढ़िया खाना मिल रहा है। इसी तरह से अगर रीअरेंजमेंट से सेकेंडरी और टर्शरी दोनों रीअरेंजमेंट होने के चांस हैं, तो नेचुरल है कि रिएक्शन का पाथ इधर न जाके किधर जाएगा, इधर जाएगा जहाँ उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, तब प्रोडक्ट आपका टर्शरी वाला प्रोडक्ट होगा, जो कि अभी हमने प्रोडक्ट आपको दिखाया है। और ये हाइड्राइड शिफ्ट कहलाता है। लैंग्वेज में आप देखेंगे एक कार्बन से दूसरे कार्बन, इसको बड़ा फेमस है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। H प्लस जा रहा है तो प्रोटॉन है, H जा रहा है हाइड्रोजन कहलाता है, H अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है तो इसको हाइड्राइड बोलते हैं, H माइनस। और नेचुरल है कि H प्लस यहाँ पर जाएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि तो खुद ही भूखा है। भूखा आदमी किसी भूखे का स्वागत करेगा? भूखा आदमी तो मालदार का स्वागत करेगा। ये हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन अपना, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तभी इसका स्वागत है। ये अकेले बिना इलेक्ट्रॉन के लिए खाली हाथ लिए पहुंच गया तो स्वागत करेगा? तो नेचुरल है कि हाइड्राइड शिफ्ट होगा। इसको बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड। ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है इसको बोलते हैं 1-2, माने अगल बगल के कार्बन में 1-2 हाइड्राइड। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि इस मेथड में कैसे प्रोडक्ट आप ढूंढ पाएंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस तमाम कंपटीशन में इससे आते हैं। उसमें आपको एक ही चीज़ करना है कि अपने मॉलिक्यूल को देखना है, रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, कितनी संभावनाएँ होंगी। जो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा, कार्बोकैटायन होगा, वही बनेगा, और फिर उससे बीआर आके लग जाएगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो मैं समझता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगले वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।